हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। अब हम इस इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में है क्या, क्या क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये हम खुद भी कर सकते थे भी, यानी कि ये तो मान लिया कि 12th लेवल का होगा इस टाइप से। तो शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस करना है। अभी यहाँ पे फोकस का मीनिंग कि आपको ये पता हो भी चैप्टर का नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं इनफाइनाइट सीरीज की। सबसे पहले डेफिनेशन, भी चैप्टर का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब नाम से क्या पता चल रहा है, क्योंकि नाम में ही काम छुपा होता है। इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ इनफाइनाइट टाइप का होने वाला है। तो वही है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अगर ए एन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, देन द एक्सप्रेशन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन सो ऑन ए इनफाइनाइट, यानी कि उस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं सभी का सम, यानी कि इनफाइनाइट टर्म का सम, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। सबसे पहले तो बेसिक आपको जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस और एक होती है सीरीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता हो भी सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें जरूरी है, ये 11th लेवल की है। सीक्वेंस क्या, अगर मैं ये लिखूँ 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होगी। लेकिन अगर इसी को मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि प्लस साइन से हमने कनेक्ट कर दिया हर एक टर्म को, तो दिस मीन्स अब ये क्या होगी, सीरीज होगी। तो सीक्वेंस एक अलग चीज़ है, सीरीज एक अलग चीज़ है। सीक्वेंस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलोज सम स्पेशल पैटर्न्स। एंड द डेफिनेशन ऑफ सीरीज, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सीक्वेंस विच आर कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। अब वो माइनस साइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस साइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस के अगर टर्म्स को हम प्लस माइनस से कनेक्ट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो दिस मीन्स यहाँ प्लस माइनस साइन से कनेक्ट होगी, तो हमने प्लस लगा लिया a1, a2, a3, ये माइनस की भी वैल्यू हो सकती है, प्लस की भी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो हमें देखना होगा। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज भी। और इसको जो लिखने का तरीका है वो ये है, समीशन की हेल्प से हम लिखते हैं। समीशन के बारे में आप जानते होंगे ना, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity का मीनिंग क्या होगा, n की जगह 1 रखो, a1 प्लस ए टू, यानी कि अगर इसको आप ओपन करके लिखते हो तो दोबारा से क्या बन जाता है, यही रिजल्ट बन जाता है जो ऊपर लिखा है। यानी कि इसी रिजल्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं समेशन। या फिर दूसरा तरीका, डायरेक्टली ये लिखो। अब यहाँ एन की कोई लिमिट नहीं गिवन है, एन क्या हो सकता है, तो इसका मीनिंग ये अंडरस्टूड होता है कि एन इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो और उन सभी को हम प्लस माइनस करते जाएँ तो वो क्या बन जाती है, इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ 3-4 लिखे, बड़े सिंपल से हैं जो बेसिकली यूज होते हैं ज़्यादातर, कि 1/n है, एन की वैल्यू 1 to infinite है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब एन की जगह 1 लिखा जाएगा 1 होगा, एन की जगह 2 लिखा जाएगा 1/2, 1/3। क्या आपको लास्ट टर्म पता है इसकी, नहीं तो हम डैश डैश लगा के छोड़ देंगे, दिस मीन्स ये क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब ऐसे ही एन है, एन की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, रखते जाओ लास्ट में कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब थर्ड पे आते हैं, एन स्केयर है, तो 1 का स्केयर + 2 का स्केयर + 3 का स्केयर लास्ट तक रखते जाओ तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। 1/n स्केयर है, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 1/1 का स्केयर यानी कि 1 ही बन जाएगा।
प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म को ऐड कर दो तो ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो ये थी बेसिक सी डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे जो मेन मुद्दा है फर्स्ट एक्सरसाइज का वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब सीक्वेंस के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है और कन्वर्जेंट कब होती है। अगर वो प्लस माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो दिस मींस डाइवर्जेंट, अगर एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे तो दिस मींस वो कन्वर्जेंट, अगर इनमें से किसी को भी अप्रोच ना करें तो उसको हम बोलते हैं ओसिलेट्स इनफाइनाइटली या फाइनाइटली वो हो सकती है, यानी कि ना वो कन्वर्जेंट हो और ना ही वो डाइवर्जेंट हो। तो अब कन्वर्जेंट की बात करते हैं। कन्वर्जेंट की बात करने से पहले हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, वो देखिए। तो मैं मान लेता हूं कंसीडर दिस सीक्वेंस an, an में कोई सीक्वेंस सपोज कर लेता हूं भाई, ठीक है ना। an यानी कि इस तरीके से है कि an को आप लिखोगे a1 a2 a3 सोन, इसमें n टर्म्स है भी, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, बस मैंने ये टर्म लिख दी कि इसकी ये टर्म होंगी, क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहाँ से S1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, S1 का मीनिंग होता है S डिनोट करते हैं हम सम के लिए, जैसे 10th में AP में आता था S5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, S1 का मीनिंग होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आया, इनकी पहली टर्म होगी A1। अगर मैं S2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 आएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब S3 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर सो ऑन मैं लास्ट तक Sn की वैल्यू निकाल दूं तो Sn क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 भी लास्ट तक हमसे इतना लिखा नहीं जाता, हम सीधा क्या लिख देते हैं, An लिख देते हैं। यानी कि पहली n टर्म का क्या आया, ये सम आया, ठीक है ना। इस जो सीक्वेंस है An, यहाँ सीक्वेंस थी, अब ये प्लस के फॉर्म में लिख दी, ये कंप्लीट क्या होगी, सीरीज होगी। और Sn इसका क्या है, सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीक्वेंस An। यहां पे जो Sn है उसको हम बोलते हैं nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस An, यानी कि जो सीक्वेंस An है उसका nth पार्शियल सम होगा भी, समझ रहे हो ना। तो इसको बोला जाता है Sn। अब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, वो देखिए। यहां से अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि समेशन n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट है an, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट है an, इसका अर्थ क्या होता है, अभी मैंने जो बताया था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन लास्ट में an और लास्ट तक चले जाए तो प्लस में a इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना, ये है। अब ये कन्वर्जेंट कब होगी, इफ दिस सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस Sn, ध्यान से समझना भी, इफ दिस सीक्वेंस मैंने Sn लिखा है, an नहीं लिखा, और यहां सीक्वेंस लिखा है, लेकिन Sn डिनोट कर रहा है पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस an को, यानी कि इस सम वाली अगर हम सीक्वेंस बनाएं, सम वाली सीक्वेंस का मीनिंग क्या होगा कि इस Sn का मीनिंग होगा भी S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि इस तरीके से। लेकिन अगर सीक्वेंस है तो S1 S2 S3 S4 S5 S6 सो ऑन Sn तक, तो ये सम की सीक्वेंस है, इनकी पार्शियल सम की सीक्वेंस, यानी कि पहली एक टर्म का सम, फिर दूसरी टर्म क्या होगी इसकी दोनों का सम, फिर आगे इसके तीनों का सम, इनके चार का सम और सोन एन का सम, ठीक है ना। अगर इफ दी सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, अगर ये सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट, देन वी कैन से दैट, वी कैन से दैट कि जो इनफाइनाइट सीरीज है n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो ये क्या होगी,
ये भी कन्वर्जेंट होगी। अब कन्वर्जेंट की कंडीशन ध्यान से समझना कि SN से बनने वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है या सीरीज जो भी कह लो आप, ये ऊपर वाली सीक्वेंस नीचे वाली सीरीज, तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चली कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर ये वैल्यू मैं SN में रख देता हूँ तो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? एक फाइनाइट नंबर। यही तो कन्वर्जेंट के क्या है, डेफिनेशन है। तो ये केस हुआ अभी कन्वर्जेंट वाला केस। अब डाइवर्जेंट कब होगी? अब सिंपल सा मीनिंग है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप कर दोगे SN के अंदर और वो आ जाती है या तो प्लस का इन्फिनिटी या फिर माइनस का इन्फिनिटी, देन ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज 1 टू इन्फिनिटी an इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो ये क्या बन जाएगी? डाइवर्जेंट बन जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, यानी कि डिपेंड करता है इस SN पे कि S इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, कहाँ तक ये जा रहा है, समझ रहे हो ना, इस पे डिपेंड करती है इसी सीरीज। उसके बाद अब ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और इनफाइनाइटली कब होगी, यानी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN की वैल्यू ना तो एक फाइनाइट नंबर हो, ना तो फाइनाइट नंबर हो और ना ही प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, भी ना तो ये वैल्यू फाइनाइट नंबर हो ना ही प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, हो सकता है कि सम माइनस वन भी आए, हो सकता है सम प्लस वन भी आए, क्योंकि सीरीज तो ये भी हो सकती है, वन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। सो इस तरीके से इस सीरीज के अगर इन्फाइनाइट टर्म आप चेक करोगे, हो सकता है वो प्लस वन हो, हो सकता है वो माइनस वन हो, यानी कि इवन टर्म होगी तो कैंसिल आउट होगी, जीरो आ जाएगा, ओड होगी तो या प्लस है वन या माइनस वन बचेगा, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं हम, ठीक है ना। तो यानी कि वहाँ हमें ये आइडिया नहीं होता कि सम क्या आ रहा है, वो फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, यानी कि हमें कुछ पता ही नहीं होता, ना तो कोई फाइनाइट नंबर मिलता ना कोई इन्फिनिटी मिलता, भी दो चार आंसर आ जाते हैं उसके, फाइनाइट नंबर नहीं है, दो चार आंसर आ रहे हैं। तो दिस मीन्स इस केस में हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे, ऑसिलेट्स फाइनाइटली या फिर वो इनफाइनाइटली भी ऑसिलेट कर सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यानी कि सिचुएशन का मीनिंग स्टेटमेंट पे। क्लियर? तो दिस मीन्स ये मेन मुद्दा था अभी, सबसे जरूरी ये चीजें हैं आपको। अब ये कंप्लीट हो गया तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो। यहाँ बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर सम कर रहा है, कभी SN को सीक्वेंस बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जो मेन फोकस है आपका वो इस रिजल्ट पे होना चाहिए, इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम सीरीज को जो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट बोलेंगे या फिर ओसिलेट करेगी वो, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना मिला तो। तो ये है भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज हमने पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल, वो कब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी या ओसिलेट करेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जिनसे ये चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से पकड़ में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्शन के बाद बुक में कुछ एक दो छोटी मोटी थ्योरम्स गिवन हैं जो कभी एग्जाम में इतनी खास आती नहीं है, कभी कभार, और कभी कभार क्या आज तक तो बिल्कुल आई नहीं है, तो वो बेसिक सी थ्योरम है, थोड़ा बहुत उनके रिजल्ट्स वगैरह आप देख लेना, उनको पढ़ लेना, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे बाद में फिर कमेंट भी करते हैं कि सर आप ईच एंड एवरी थ्योरम्स प्रूव नहीं करवाते भी, क्योंकि ईच एंड जो एवरी थ्योरम आप बोल रहे हो ना कि प्रूव करवाओ, कई बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पल भी करो, अगर हम ऐसे करने लगे ना वीडियो के अंदर कि बिल्कुल एक एक लाइन को एक्सप्लेन करो, एक तो वो रटफिकेशन वाली बात हो जाएगी, यानी कि आपको ये करना है कि आप से सीख क्या रहे हैं, भी सर ने इतना बता दिया, हाँ हम ये तो कर सकते हैं, है कि नहीं, अगर बिल्कुल ही ना हो उसका तो चलो अलग इलाज है वो। तो कोशिश क्या करो कि ये छोटी मोटी जो थ्योरम्स हैं वो आपके लिए छोड़ देते हैं, तो आप उसको खुद से सोल्व करो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो ये लगता है हाँ भाई ये एग्जाम में पहले आई है आगे भी आने के चांसेज हैं, वो हम बिना बोले ही पहले रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इन थ्योरम्स पे आप फोकस करो, थोड़ा बहुत इनकी रीडिंग ले लिया करो, आसानी से हैं, आसानी से समझ में भी आ जाएगी आपको। उसके बाद
अब शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.1 बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। सिंपल सी कैसे है वो आपको इन दो क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा, आगे वाले भी हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दिस सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 कन्वर्ज टू 1। हमें प्रूव करना है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे। तो हम यहाँ मान लेते हैं हेयर जो nth टर्म है an, वो क्या दे रखी है अभी, 1 बाय n इंटू n प्लस 1 दे रखी है। उसके बाद देन हम an को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। अब ये हमने कैसे लिखा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ये बड़ी काम की चीज़ है। जिन्होंने ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन एलिमेंट्स की बुक में से पढ़ रखा है या एनसीईआरटी में भी होता है, तो वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आता है, तो वहाँ आप इसको इस फॉर्म में लिखना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं रफली बता देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन से अब इसमें देखो मल्टीप्लाई में थे, आप सोच रहे हो सर आपने माइनस में अलग अलग कर दिए, भी एलसीएम लेके सोल्व करो उल्टा यही बनेगा, तभी मैंने ये लिखा है इसको, अदरवाइज ये थोड़ी ना कि मैंने एनएच टर्म ही चेंज कर दी, ऐसा नहीं होगा। अब वो कैसे लिखा देखो, हमने 1 बाय एन इंटू एन प्लस 1 को मान लिया कि ए के डिवाइड में एन है प्लस बी के डिवाइड में एन प्लस 1 है, तो ये इस साइड डिवाइड में था उस साइड मल्टीप्लाई में चला गया, तो 1 इज इक्वल टू एन से एन कटेगा, तो ए के साथ क्या बचा एन प्लस 1 और बी के साथ क्या बचा एन। अब एन की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो बी हो गया 0 और यहाँ क्या आया ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। और अगर एन की जगह आप माइनस का 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 ए हो गया 0, तो ये क्या है माइनस का बी और इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आई माइनस 1। तो दिस मीन्स हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एन माइनस में ये माइनस का 1 लिखा है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका रफ वर्क होता है भी, ये आप क्वेश्चंस में सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे लगेगा कि छोटे बच्चे सोल्व कर रहे हैं, अब आप ग्रेजुएशन में हो चुके हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ऐसे हम ए बी की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, या मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मुझे पता था आइडिया हो जाता है, स्टेटमेंट देख के भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये लिखा, अब हम इसमें से फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालते हैं ए वन की, एन की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, ए टू की वैल्यू पुट करो तो 1 बाय 2 माइनस का 1 बाय 3 हो गया, ए थ्री की वैल्यू पुट करो यानी कि 1 बाय 3 एन की जगह 3 रखोगे तो ये 4 हो गया, सो ओन लास्ट में ए एन की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये हुआ 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1 जो स्टार्टिंग में लिख रखा था। अब हम क्या करते हैं एडिंग वर्टिकली, ध्यान से देखना, ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन तक हम ऐड कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, तो ये क्या आया एस एन आया कि नहीं, तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी यानी कि सभी टर्म्स का सम। अब देखो एडिंग वर्टिकली करोगे तो इस 1 बाय 2 से ये कैंसिल, 1 बाय 3 से ये कैंसिल, 1 बाय 4 से ये कैंसिल, आगे कहीं ना कहीं ए एन भी कैंसिल होगा जब आप ए एन माइनस 1 वाली टर्म निकाल रहे होंगे, यानी ये टेढ़ा कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे तीर चल रहे हैं समझो, तो सिर्फ बचेगा क्या 1 बचा और ये क्या बचा माइनस में 1 बाय एन प्लस 1 बचा। अब कन्वर्ज कराना है तो हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट दोनों साइड लगा देते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ क्या हो 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, आप इनफाइनाइट पुट करोगे 1 तो 1 रहेगा माइनस 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो गया 0, तो 1 माइनस 0 करोगे तो ये इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू क्या आई 1, तो दिस मीन्स ये कन्वर्ज क्या करेगी 1 को करेगी, बड़ा सिंपल सा है। सेकेंड पे आते, सेकेंड में भी फिर वही सपोज कर लेते हैं लेट कि जो ए एन है वो ये है 1 बाय एन इंटू एन प्लस 2, बड़ा सिंपल सा है। अब इसको भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन से लिखूंगा अभी, देन ए एन को मैंने लिखा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 2, यहां मैं रीजन दे देता हूं बाय पार्शियल फ्रैक्शन,
अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो सभी को याद करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो हम ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं वो याद हो जाती हैं बार बार बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, तो ये चीज़ें हम ऑटोमेटिक लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया, आप सोल्व करके देख लेना, दोबारा यही बनता है तो मैं ठीक हूँ, अदरवाइज मैं गलत हूँ, आप दूसरा करके देख लेना, ठीक है ना। तो इससे यही बनेगा भी 100% श्योर है। तो अब यहाँ से A1 देखो क्या आएगा, A1 n की जगह 1 पुट करोगे, अब ये 1/2 है, ये ऐसे चिपका रहेगा इनके साथ क्योंकि यहाँ n नहीं है, 1/2 हर एक टर्म में आएगा, तो 1 रखा तो 1 माइनस यहाँ होगा 3, अब A2 रखा तो यहाँ ये चिपका रहेगा, और 2 रखने पे 1/2, और 2 और 2 हो गया 4, ये ऐसा होगा, फिर 3 रखा तो 1/2 फिर चिपका रहेगा, 1/3, और 3 और 2 हो गया 5, ठीक है ना, ये होगा। तो ये चिपका चिपके लास्ट तक चलती रहेगी, ए एन फिर हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/n माइनस 1/n प्लस 2, ठीक है ना। फिर वही चीज़ एडिंग वर्टिकली, तो ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN तक आएगा, जो आपका SN होगा वो क्या होगा, 1/2 सभी में से कॉमन, तो 1/2 बिल्कुल बाहर पड़ा है क्योंकि चिपका हुआ ना, चिपकी हुई चीज़ें ज़्यादातर बाहर ही जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ, 1 इधर इधर वाले ऐड करते हैं, प्लस का 1/2, प्लस का 1/3, लास्ट में प्लस का 1/n तक गया। अब ये जो बाद वाली है उसमें सभी में नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन इधर लिखेंगे, तो ये 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 भी आएगा, कहीं ना कहीं लास्ट में ये आया है। इससे पहले अगर an माइनस 1 रखते तो कहीं ना कहीं इसमें an भी आता, और फिर an प्लस 1 भी आया होगा, और फिर an प्लस 2 भी आया होगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट तक ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर, तो लास्ट तक ये चल रहा है अभी, क्लियर। अब इसमें से देखो 1/3 से आगे वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन कहाँ तक कैंसिल होगी, 1/n तक, लास्ट की दो बचेंगी क्योंकि लास्ट की दो तो यहाँ आ ही नहीं रही, n प्लस 2। तो अब यहाँ से जो sn की वैल्यू बची 1/2, यहाँ से 1 प्लस 1/2, और माइनस का साइन था तो माइनस का 1/n प्लस 1, माइनस का 1/n प्लस 2, तो बस लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sn, इधर भी लिमिट को बुला लेते हैं, लिमिट आ भी गई बुलाने पे, तो 1/2, अब देखो 1 और 1.5 3/2, तो ये हुआ 3/2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, n को इनफाइनाइट डाल दो इसके अंदर, तो 1/∞ 0 1/∞ 0 क्या बचा, 3/2 इंटू 1/2, तो ये क्या बचा 3/4, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sn की वैल्यू क्या आई 3/4, यही हमने प्रूव करना था कि ये कन्वर्ज करेगा 3/4 को। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ें ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आप ऐड सब्ट्रैक्ट आसानी से कर पाए। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब an इज इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 2 था तो आपने डायरेक्टली a1 a2 a3 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। अब वैल्यू तो हम निकाल देते, उसको ऐड करके लिखते क्या, वो लास्ट में सम हमें पता नहीं चलता, वो n के टर्म में नहीं आता है कि नहीं, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना, यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती है आसान, और भागना किसकी तरफ है, आसान की तरफ। तो ये हुए आपके पहले दो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, इनको सोल्व करते हैं, बड़े सिंपल से हैं, यानी कि नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन हैं, जल्दी सोल्व हो जाएंगे। सो दैट दिस सीरीज दिस कन्वर्ज टू 4, तो अब ये सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी 4 को। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल वे में कर देता हूँ, इसको an, a1, a2 वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर है, ये कॉन्स्टेंट की पावर में n माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर इस सीरीज़ को मैं ओपन करता हूँ, यानी कि समेसन n इजक्ल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जो 3/4 की पावर n माइनस 1 है, ठीक है ना, यानी कि इसका अगर मैं sn निकालूं, सम निकालूं, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3/4 की पावर n की वैल्यू 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, प्लस 3/4 n की जगह 2 रखोगे फिर पावर 1 हो जाएगी, तो 3/4 की पावर 2 हो जाएगी। सो ऑन लास्ट तक ये चलता रहेगा, अभी जब इन्फिनिटी रखोगे
तो लिख देता हूँ, चलो मैं 3/4 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो अब बड़ा सिंपल है, Sn क्या बना, समथिंग टू द पावर 0 1 प्लस ये 3/4 प्लस 3/4 का स्केयर प्लस 3/4 का आगे क्या आएगा क्यूब, सो ओनली इनफाइनाइट टर्म तक चलता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये बन गई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि GP, ठीक है ना। हेयर इट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या है प्रोग्रेशन विद a की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू 3/4, चेक कर सकते हैं भी। देन ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होती है उसका सम क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस r की पावर n, r भी क्या है 3/4, तो 3/4 की पावर n अपॉन 1 माइनस 3/4, समझ रहे हो ना, ये हो गया। Sn की वैल्यू आई, अब दोनों साइड लिमिट g को बुला लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3/4 की पावर इन्फिनिटी अपॉन LCM लोगे 4 माइनस 3 1 तो 1/4। अब 3/4 क्या होता है, 0.75 यानी कि 1 से छोटी वैल्यू है। अब 0.75 करो आगे, फिर 0.75, फिर 0.75, इसकी इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 का अप्रोच करता है भी, चेक कर लेना 0 का अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या बचा 1/4, तो वैल्यू क्या आई 4, यही हमने प्रूव करना था कि कन्वर्ज करेगा 4 को, ठीक है ना। अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू होती फिर 0 का अप्रोच करता, फिर कुछ और हो जाता, बस अब 0 का अप्रोच करेगा क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है। अब ऐसे ही अगला है, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ लिखूँ ये Sn, तो ये क्या बन रहा है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब सो ऑन, हमें नहीं पता लास्ट में क्या है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात ये है, ये भी क्या है कि GP, इट इज ऑल्सो ए GP विद a इज इक्वल टू 1/2 एंड r इज इक्वल टू 1/2, a और r दोनों क्या हैं 1/2 हैं, तो Sn की वैल्यू वही a यानी कि 1/2 इंटू में 1 माइनस r की पावर n, तो 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 यानी कि a माइनस r, तो सॉरी 1 माइनस r। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व क्या लिमिट g को बुला ही लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये 1/2 एज इट इज राइट साइड में, पहले चलो लिमिट लगानी भूल गए भी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 जी यहाँ एज इट इज बैठे रहेंगे, 1/2 की पावर n हो गया और डिवाइड में एक में से आधा गया तो आधा ही बचा अभी, तो आधा और आधा एक दूसरे को खा जाएंगे, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे 1/∞ 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आई 1 आई, तो दिस मीन्स ये किसको कन्वर्ट करेगा 1 को। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड और फोर्थ दोनों में GP बन रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करो। अब हर जगह ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे भी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 5, 6, 7, 8 और 9 हैं इनको अब हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, पहले फिफ्थ को सोल्व करते हैं। फिफ्थ में क्या है, ये जो सीरीज है 1, 2, 3 सो नाइन तक ये डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी, ये हमने सो करना है अभी। तो Sn की वैल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये लास्ट में n तक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपने पढ़ा होगा प्लस 1 के अंदर, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn पे, इधर भी आप लिमिट जब अप्लाई करोगे इनफाइनाइट रखोगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये डाइवर्स करेगा प्लस इन्फिनिटी को। ऐसे ही सिक्स्थ है, सिक्स्थ में Sn इज इक्वल टू क्या है 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 सो ऑन लास्ट में है। तो Sn की वैल्यू निकालें, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 1, फिर यहाँ 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब सो ऑन, प्लस में वैल्यू बचती जाएंगी भी। तो ये क्या होगी, एक GP होगी, और GP भी क्या है, ये एक GP है जिसमें A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू क्या है 2।
अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें एस एन जी पी वाला, तो 2 बाहर a यानी कि 1 इंटू आर की पावर n यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब आपको लग रहा है कि सर आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब हम अप्लाई करते हैं अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होती, तो ये जीपी के रूल होते हैं, आपकी पता, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो, बातें की। अब यहाँ से जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन करोगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर इनफाइनाइट क्या हो गया, 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर 10 भी पूछ लो ना, ऐसे काउंट करने लग जाएंगे, सर इतना आएगा, 20 पूछ लो और गड़बड़ हो जाएगी, इनफाइनाइट पूछ लिया तो ये कंप्लीट क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे तो 2 माइनस 1 1 नहीं होगा, ये 2 इंटू ये जो भी है सारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये डाइवर्स करेगी प्लस इन्फिनिटी को। सेवन्थ में क्या है, एस एन दे रखा है, एक 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, लिखते लिखते आप पागल हो जाओगे। अब अगर एस एन की वैल्यू आप निकालते हैं, तो एस एन की वैल्यू या तो 0 आएगी या 3 आएगी। 0 कब आएगी, इफ एन इज इवन, एन क्या है, इवन, ये लास्ट में nth टर्म, इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, इवन, क्योंकि इवन होगी तो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होते रहेंगे, सारा 0 बच जाएगा। लेकिन 3 कब आएगी, इफ एन इज ओड, यानी कि अगर ओड टर्म्स हैं इसमें, हमें क्या पता इनफाइनाइट है, इवन है या ओड है, तो दिस मीन्स फिर 3 आ जाएगी, यानी कि हम कंप्लीटली ये नहीं बता पा रहे कि सम आएगा तो क्या आएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये ओसिलेट्स करेगी भी, ठीक है ना, ओसिलेट, क्लियर कंप्लीट। एट्थ पे आते हैं, एट्थ में एस एन की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये क्या बन गई, एक ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बनी ए पी विद ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 2। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट कर दोगे, n बाय 2 ए की वैल्यू 1 तो यह 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू भी क्या आई 2, तो n बाय 2 तो 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल, तो क्या बचा n बचा, तो ये क्या आया n स्क्वायर बाय 2। लिमिट अप्लाई करोगे n की जगह तो ये किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को, तो बड़ा सिंपल है ये भी होगा। अब ले दे के बसता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में जब स्टूडेंट्स देखते हैं अंडर रूट आ गया जी, अंडर रूट सोल्व नहीं होगा जी, ये तो आपको करवाना था, ये तो वीडियो में आपने वैसे ही छोड़ दिया। अरे बड़ा सिंपल सा है, अंडर रूट वाली चीज़ें और ज़्यादा आसान लगती है भी, मेरे को तो लगती है, आपको पता नहीं। जैसे अगर मैं इसको ए एन मान लूँ, यहीं लिख दूँ, ए एन इज इक्वल टू 1 बाय, इसको पहले लिख लो अंडर रूट एन प्लस 1 और प्लस में क्या है एन है, सिंपली आपने इसको रैशनलाइज कर देना है, तो अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस एन अंडर रूट सेम मल्टीप्लाई सेम अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर और माइनस बी स्केयर कैंसिल आउट हो गया, ए एन की वैल्यू क्या आई अंडर रूट एन प्लस 1 और अंडर रूट एन। अब ए 1 निकाल लो, ए 2 निकाल लो, ए 3 निकाल लो, ए 4 निकाल लो, सो ऑन ए एन तक जोड़ते जाओ, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कटता जाएगा, लास्ट में जो बचेगा एन को इनफाइनाइट पुट कर देना, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट, यानी कि प्लस इन्फिनिटी आएगी भी इसमें, पक्का चेक कर लेना। तो इस तरीके से ये नाइन्थ भी बड़ा सिंपल है भी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म कर दिया अभी, ठीक है ना, ये होगी ख़त्म। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कंप्लीट एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर लिखें कि आपको कितना कुछ समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।